नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए एक बेहतरीन सा प्लान। अगर आपके पास भी कम जगह है और आप एक बेहतरीन सा मॉडल चाहते हैं, बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक बेहतरीन सा प्लान लेकर आया हूँ। और आज के प्लान का साइज है 16x40, 16x40 फुट में मॉडल मैंने क्रिएट किया है। अगर आपका भी 16x40 फुट का जगह है, 1-2 फुट इधर उधर है, तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। हम आज इस प्लान को एक बेहतरीन ढंग से डिजाइन करने वाले हैं और मैंने इसका जो थंबनेल बनाया है वो 2 कलर में क्रिएट करके दिया है। अलग अलग आपको व्यू दिखाए हैं, साइड व्यू दिखाया है, बॉटम व्यू दिखाया है, और आपका फ्रंट व्यू भी आपको थंबनेल पर ही मैंने दिखा दिया है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस मॉडल का 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्लान है पूरा जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ओवरऑल पूरा मॉडल है। 16 फिट इसका फ्रंट है और 40 फिट इसकी गहराई है। टॉप व्यू अगर आप देखें तो मकान आपको टॉप से ऐसा लगेगा। फ्रंट व्यू अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा। मैं एक एक चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको इसकी रेलिंग, इसका विंडो का डिज़ाइन वगैरह प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत मॉडल ये मैंने क्रिएट किया है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ओवरऑल जो ग्राउंड फ्लोर है ये देखिएगा। मैं इसे मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। इस पर मैंने देखिए डिज़ाइन बनाया है। इधर आपकी विंडो है दोस्तों, इस पर भी मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। इस मेन डोर से जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये मकान देखने को मिलता है। पहले मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले आपको ये डाइनिंग एरिया, बड़ा सा डाइनिंग एरिया सॉरी मिल जाता है। गेस्ट रूम इसे बना सकते हैं आप, यहाँ पर अपना सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं डोर से तो आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जिससे टर्न होंगे। उसी के नीचे बड़ा सा लेट बाथ मैंने कवर्ड किया है। इसके बाद इस कॉर्नर पर एक बेडरूम को मैंने डिज़ाइन किया और ये आपकी किचन मैंने बना दी है। देख सकते हैं एक बेडरूम आपका पीछे है, एक आगे है। ये स्टेयर्स हैं, ये किचन है, सॉरी ये लेट बाथ है, किचन है। ये आपको एक आंगन बोल सकते हैं या आपका ड्राइंग एरिया बोल सकते हैं, ये देखने को मिलता है। तो फ्रंट के बाद आपको ये मॉडल देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूँगा कि जो मैं बताता हूँ वो आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। तो ये देखिएगा एक बेहतरीन सा मॉडल ग्राउंड फ्लोर का। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर, मैं जूम करता हूँ इसकी। देखिए अब क्या किया है मैंने, यहाँ पर डोर को अलग कर दिया है। उस पर मैंने ये ग्रिल, देखिएगा ये आपकी राउंड शेप में ग्रिल को इस्तेमाल किया। इधर विंडो को भी मैंने चेंज कर दिया है और उसका डिज़ाइन भी, तो देख सकते हैं। बाद बाकी मकान की बात करें सिमिलर वही है। नीचे जैसा बेडरूम था, किचन था, लेट बाथ था, स्टेयर्स था, और आगे वाला आपका ये बेडरूम, बस आपकी बालकनी ये चेंज होकर एक बेहतरीन सा लुक दे रही है। बात करते हैं इसके फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की। तो यहाँ पर भी देखिएगा अब की बार विंडो और डोर को मैंने इंटरचेंज कर दिया। विंडो पहले राइट हैंड साइड में था, अब इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया है, और डोर जो लेफ्ट हैंड में साइड था वो राइट हैंड में कन्वर्ट कर दिया है। और ये ग्रिल जो इधर ग्रिल थी वही ग्रिल को मैंने यहाँ पर बनाया है। बाद बाकी मॉडल की बात करें तो सिमिलर एज अ ग्राउंड फ्लोर ही मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाए। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस मॉडल का 2D चाहते हैं, 2D मीन्स इस बेडरूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, लेट बाथ वगैरह सभी की डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट फ्लोर की बात करें तो चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल, फ्रंट में वही ग्रिल, और ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है, उस पर मैंने ये छत बना दी है। तो ये पूरा 16x40 फिट का मॉडल बनकर रेडी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा मॉडल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आप हमें सपोर्ट करते हैं, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियो लाते रहें। मैं दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार के घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रखें कि वो हमारी पेड सर्विस है जिसमें आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।